हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों क्या है, तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूं वो बहुत ही शॉकिंग वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक ऐसे बंदे के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में जो नेपाली को बहुत ही भला बुरा कह रहा है। जी हाँ, मैंने आज एक वीडियो देखा जो कि जय नेपाल के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। उन्होंने ये वीडियो बनाया, उनको कुछ ऐसी ऐसी मेल्स आ रही थी कि वो नेपालियों के बारे में कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल रहे थे, उल्टी सीधी भावनाएँ व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बना डाला। उसके साथ ही उन्होंने उसकी मेल की स्क्रीनशॉट भी अपने चैनल पर डाली है। मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उन लोगों को भी ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल ना करें, ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को पता चल सके कि यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं। सिर्फ और सिर्फ जय नेपाल को ही नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको ऐसी ऐसी मेल्स आती हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे लोगों से कि कृपया ये सब करना बंद करें, क्योंकि ये सब करने से आपको क्या मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सीधे पहले वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग उस वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में जिनकी ऐसी गंदी सोच है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए सीधे लेके चलते हैं यूट्यूब की तरफ, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग आ गए हैं यूट्यूब पर, अब यहाँ पर हम चलते हैं जय नेपाल के यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने ये वीडियो डाली हुई है। जय नेपाल बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है जो कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ देते हैं। जैसे कि ये देखिए, नेपाली को औकात याद दिलानी है, इस आदमी ने कहा। नेपालियों को उनकी औकात याद दिलाऊंगा, इस आदमी ने कहा। इंडिया नेपाल एंड वर्ल्ड यूट्यूब इंसल्टिंग नेपाली। चलिए देखते हैं इस वीडियो को क्या कहा है जय नेपाल ने। इनका नाम है कुछ मिश्रा करके नाम है इनका। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 गो। नमस्कार सभी चैनल आई, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो हम उस व्यक्ति के बारे बात करेंगे जिसने नेपाल को यह बोला है कि वो नेपालियों की औकात याद दिलाए। अच्छा। और वो कोई एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, मतलब वो कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसके पास बहुत सारे नेपाली फॉलोअर्स हैं, जिनके दम पर या जिनके व्यूज से वो पैसे कमाता है, जिनके जिनकी नमक से वो रोटी खाता है, उसने वो नेपालियों के साथ ऐसा किया है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल में उस आदमी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने दोस्तों सारे सबूत पेश किए हैं। और अगर आज अगर आप जैसे नेपालियों ने दोस्तों अगर आवाज़ नहीं उठाई, तो ऐसे लोग दोस्तों हमारे समाज को, हमारे रिलेशन को इतना गंदा कर देंगे और आप लोगों की भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किस व्यक्ति ने आखिरकार नेपाल को ये बोला है कि नेपाल को नेपालियों को उनकी औकात याद दिलाएगा। तो दोस्तों, ये इंडिया नेपाल एंड वर्ल्ड चैनल, जिनके 1.52 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और जिसमें से मैक्सिमम नेपाली हैं, नेपाली पे ही ये वीडियो बना के पैसे कमाते हैं, और उन्हीं को दोस्तों इन्होंने ये बोला है कि वो नेपालियों को उनकी औकात है। अच्छा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में मैं सारे सबूत पेश करूंगा और मैं बताऊंगा इनकी असलियत, क्योंकि बहुत हो चुका है ये, क्योंकि अब क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन बोले चलता है, लेकिन इतने सारे नेपालियों को इन्होंने भरोसा तोड़ा है ना, वो मुझे अब देखते नहीं बनता। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने मेरे को मेल किया था, तो मैंने मेल में इनको ये बोला था कि कृपया करके आप ये मेरे को बार बार क्या करते हैं, मेरे वीडियो में कमेंट करते बाद में डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इनको बोला कि जो मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, कम से कम आप उसमें डिस्टर्ब ना करें। इनने मुझे ऑफिशियल मेल, जी हाँ दोस्तों, ये इनको ऑफिशियल मेल आईडी है, आप ये देखिए, ये इनका ऑफिशियल मेल आईडी है और ये इनका कमेंट है। इनने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से मुझे क्या लिखा, सत्यम मिश्रा बेटा, अब इन्होंने मेरे को बेटा बोला है तो मैं इनको अंकल बोलूँगा। जानकारी की बात छोड़ दो, क्योंकि मैं जानकारी देता हूँ ना कि किसी चीज़ में एनालिसिस करता हूं, तो बोला जानकारी की बात छोड़ दो, कितना जानकारी, हमारा बच्चों से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। पहली बात, मैं इस फील्ड में कॉम्पिटिशन के लिए नहीं आया। अच्छा। मेरे सभी नेपाली जो है फ्रेंड्स हैं, जो नेपाली यू पे वीडियो बनाते हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा मकसद पैसे कमाना है, लगता है इन्होंने मेरा जय नेपाल के लाइव वाला वीडियो नहीं देखा, जहां मैंने बता दिया कि मैं क्या क्या काम करता हूं इस चैनल के अलावा, मेरी क्या अर्निंग है, अब तक आपने नहीं बताई होगी। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने बोला कि हमारा मकसद नेपालियों को उनकी औकात याद दिलाना है, नेपाली से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि वो भारत वाले को ब्लैक डॉग कहते हैं। ये बोलते हैं नेपाली को, मुझे उनकी औकात याद दिलाना है और नेपाली हमको ब्लैक डॉग कहते हैं।
मैंने बोला आप अपनी सोच सही करें, नेपाल के लोग भी सांवले होते। तो आज तक मैं बताऊँ, आज तक इतिहास में किसी नेपाली ने इंडिया को ब्लैक डॉग नहीं कहा था। धोती मजाक में कहते होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ब्लैक डॉग नहीं कहा, जो ये लोग बोल रहे हैं, ये आदमी बोल रहा है। इस आदमी ने बोला, इस आदमी ने बहुत सारी बात बोली कि नेपाल, तुम केवल नेपाल की तारीफ करते हो। अरे भाई, तुमने कभी एनालिसिस वाला वीडियो देखा है? मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ। मैंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म किया, नेपाल के ओपोजिशन पार्टी का क्रिटिसिज्म किया, मैंने नेपाल के प्रेसिडेंट तक का क्रिटिसिज्म किया है, और नेपालियों ने मुझे सराखा है, नेपालियों से उसका प्यार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ, अगर इंडिया में कुछ गलत होगा तो मैं डाटा फैक्ट के साथ क्रिटिसिज्म करता हूँ। लेकिन तुमने आज तक एनालिसिस नहीं किया है ना, तो तुम क्या बताओगे? तुम तो बस बेवकूफ बनाओ, औकात दिया दिलाओगे नेपाली की। आज इस वीडियो में बताएंगे कि नेपाली तुमको क्या दे रहा था। आज मैं पूरे एनालिसिस पेश करूंगा नेपालियों को, उन्होंने कहां कहां भेजा, पूरा डाटा है। यूट्यूब ऑफिशियल तक का डाटा है मेरे पास, यूट्यूब अथॉरिटी तक का डाटा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और आप कहते हैं भारत भुखमरा देश, एक वीडियो बता दीजिए जहां मैंने भारत भुखमरा देश बोला, मैंने आज तक नहीं बोला। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने बोला है नेपाल के एक चैनल है, कोई चैनल का नाम बोल रही है, मेरा मकसद उस चैनल को बंद करवाना है। एक नेपाली यूट्यूब चैनल है, इनका मकसद उनको बंद करवाना है। इसके अलावा जो कि भारत के बारे में बहुत गलत प्रचार कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में चेत करो, बोलो नेपाली को उनकी औकात याद दिलानी है, तुमको ये चैनल बंद करवाना है। इसके अलावा मैं और बोलता हूँ, आप देखिए क्या क्या बोला इन्होंने। इन्होंने मेरे को लालच दिया और ये मेरे को लालच देंगे इनकी। अब मैं वही बोलूँगा कि ये क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हो, मैं कितना कैसे कर रहा हूँ। मैं जितनी मेहनत करता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे मालूम है। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने ये बोला है कि मेरा मकसद है उस चैनल को बंद कराओ, नेपालियों को उनकी औकात याद दिलाना। मैं तुम्हारे को एक तोहफा देता हूँ कि मैं तुम्हारे हर वीडियो को अपनी कम्युनिटी में शेयर करूँगा, पैसे कमाओ। ये मुझे शेयर करेंगे बेटा? तुम्हारे ऐसे लोग मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं होंगे मेरे सामने, कि तुम झूठ फैलाते हो। और तुम्हारी कम्युनिटी में मैं अपना पाँव के, मैं अपनी आंख नजर भी ना बटाने की कोशिश करूँ, कोई नेपाली नहीं पसंद करेगा। बहुत सही बात है जो तुम करते हो ना आजकल, ये तुमने मेल भेजा, इस मेल के बाद ये नौटंकी करेंगे। पिछली बार भी इन्होंने की थी, मैं बताऊंगा कौन सी। पैसे कमाओ और अपने देश की इज्जत बचा कर। बेटा आज तक मैं सुनो, मेरे की बात करते हो ना, मैंने अपने देश के लिए क्या किया है? मैंने अपने देश के लिए इनकम टैक्स दिया है, मैं अपने देश के लिए कोरोना के टाइम पे लड़ा हूँ। तुम कहाँ हो? तुम वहाँ बैठ के बस है ना फर्जी वीडियो बना रहे हो, और तुम्हारे वीडियो में कोई फैक्ट नहीं। मैं आज इसके सामने एक एक करके इनकी पोल खोलूंगा। रुको मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत सबर हो चुका है। और नेपाली को तुम बोलते हो ना, रुको मैं नेपाली का इंडियन तुमको बताएंगे। अब देखिए, ये मेल इन्होंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजा, और मैंने ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। अब ये अपनी ऑफिशियल आईडी चेंज करके ये कुछ बोले तो इनकी बातों बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि ये झूठा आदमी, ये पहली बार भी ऐसा कर चुका है, ये ऑफिशियल आईडी है इसकी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने ये पहले भी ऐसा कर चुका, पहले मैंने इसको समझाया था जब इसने नेपाल माए जान का कोई चैनल खोला था, और नेपाली और भारत को इतनी गंदी गालियाँ दी थी इनने, और भारतीयों को इनने बहुत गंदी गालियाँ दी थी। इन्होंने बोला था कि भारतीय सैनिकों को बहुत, उन्होंने बाद में ये वीडियो डिलीट भी किया, अपने एक अपने चैनल पे एक फेक वीडियो बना के उस चीज़ का नाम लगा दिया किसी और व्यक्ति पे, जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता उन पे इस आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया। वो वीडियो शायद इन्होंने डिलीट कर दिया हो, कि ये जो चीज़ इनको एक्सपोज करे वो रखते नहीं, या मेनली अपने वीडियो डिलीट ही करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है नेपाली अगर उस वीडियो को देख लेगा सच्चा नेपाली, तो उनके औकात याद दिला देगा वो। इसके अलावा मैं आज बोल करना चाहता हूँ कि इस आदमी ने हमेशा झूठ बोला है। इसके इस वीडियो के बाद शायद दोस्तों जो इंजाम लगाया है वो क्या करेगा, इस वीडियो का अपना एक वीडियो बनाएगा और किसी एक अन्य व्यक्ति पे इंजाम लगा दे, क्योंकि इसने मेरे को बहुत बार अपने मेल आईडी से सॉरी बोला है। इसने खुद अपने मेल आईडी से मुझे बहुत बार सॉरी भी बोला, और मैंने बस बोले ठीक है चलो एक चांस छोड़ दिया, क्योंकि इसको मालूम था कि सर के पास जो जो डाटा है अगर सर ने शो कर दिया तो ये कहीं के नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब मैं बताता हूँ, इस अंकल ने यहीं नहीं रुके, ये अंकल ने दोस्तों नेपालियों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। अब आप सोच रहे हो क्या, इनका ये वीडियो देखे जो इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन इस आदमी इतना स्मार्ट नहीं है। इस आदमी ने इस वीडियो को डिलीट किया, लेकिन दोस्तों ये अभी भी इनकी कम्युनिटी में शेयर करा है। इन्होंने क्या लिखा इस वीडियो में, कि नेपालियों को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, नेपाली वैक्सीन ना लगाए नहीं तो उनको कोरोना हो जाएगा। तुम नेपालियों की जान के साथ खेल लो, कैसे अफवाह फैला रहे हो तुम? ऐसी अफवाह फैलाओगे कि नेपाली वैक्सीन ना लगाए, पागल हो तुम? किसी की जान के साथ खेलोगे ना तो तुम जिंदगी भर, तुम्हारा जमीर माफ़ नहीं कर पाएगा, वो भगवान माफ़ नहीं कर पाएगा। अब मैं बताता हूँ इन लोगों ने क्या क्या किया। इन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन वीडियो एग्जिस्ट करा, ये देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सबूत, अब मैं यूट्यूब ऑफिशियल का सबूत बताता हूँ, यूट्यूब इनके साथ क्या बिहेवियर करता है। यूट्यूब हर हफ्ते हर महीने इनके 5 लाख से ज़्यादा व्यूज डिलीट करता है। क्यों? क्योंकि अपने वीडियो में फेक प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज़, फेक डाटा, डाटा दिखाते ही नहीं है, सब चीज फेक करते हैं, दूसरे कंटेंट उठा के अपने से डाल देते हैं ताकि इनको व्यूज मिल जाए नेपालियों की तरफ से, और उन्हीं को इनको ये औकात याद दिलाने का बोल रहे हैं। ये हद है,
और ये देखिए प्रूफ ये रहा इनका, ये एक बार की बात नहीं, अगर इनका एनालिसिस करेंगे डाटा का, मैं क्योंकि मैं बात करता हूँ ना किसी व्यक्ति के बारे में तो बिना सबूत के बात नहीं करता, बहुत सही, चाहे कोई भी टॉपिक में बनाता हूँ। क्या बात है, इस अंकल की और भी मैं बात बताता हूँ, इस अंकल ने आज तक जितने भी वीडियो डाले हैं उनमें से 90% भड़काऊ मैं क्या करके सारी बात करता हूँ लोगों को। इन्होंने 1.5 लाख इनके जो नेपाली सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, और ये भारतीय होके ना कलंक है हमारे भारतीय पर, क्योंकि इन्होंने हमारे रिलेशन को बिगाड़ने का काम किया है। ये औकात याद दिलाएंगे तुम, उनको नेपाली औकात तुम्हारी याद दिलाते रुक जाओगे। इसके अलावा देखिए इनके एक एक करके वीडियो, भारत को नेपाली कहते हैं अंग्रेजों का कुत्ता, पागल हो, किस नेपाली ने कहा आज तक? मेरे वीडियो में इतने कमेंट आते हैं नेगेटिव, आज तक तो मैंने देखा, ये भड़काओ। ये इनके मोस्ट व्यूज वीडियो हैं, क्यों? क्योंकि लोग नेगेटिविटी को फैलाते हैं और नेगेटिविटी देखी जाती है। ये ऐसा आपकी भावना के साथ एक तरफ बोलेंगे, आपका तारीफ लेंगे, और पीठ पीछे जो इनकी जो इनकी मंशा रहती है वो ये रहती है कि आपको आपके औकात याद दिलाएगा, आपकी ये व्यक्ति नेपाली को औकात याद दिलाएगा, आज बहुत गुस्सा है। इसके अलावा दोस्तों ये सारे वीडियो के एग्जांपल अगर आप पॉज करके इन वीडियो को पढ़ेंगे, ये सब मिसलीडिंग कंटेंट है, यूट्यूब ने इनके व्यू लाखों व्यू उड़ाए हैं, और इनके वीडियो देखिए इनके वीडियो प्राइवेट है, ज़्यादातर वीडियो इनके प्राइवेट ही प्राइवेट है, क्यों? क्योंकि YouTube ने आज इनके वीडियो डिलीट कर दिए हैं, कॉपीराइट क्लेम्स आ चुके हैं, YouTube ने कम्युनिटी गाइडेंस टाइट मार दी है। ये सारे प्रूफ है, कितने प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है, क्या क्या दिखाया इन्होंने, सब नेगेटिविटी फैलाई, इनके हर वीडियो में 90% झूठ है। आज तक इन्होंने एक एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया, एक भी नहीं, किसी का कंटेंट उठाया, फर्जी न्यूज़ डाली और बस इम्प्रेस करने के लिए, ताकि इनकी दाल रोटी चटके। लेकिन एक कहावत बोली जाती है, आप जिसका नमक खाते हैं कम से कम उस थाली में तो छेद ना कर, लेकिन इस आदमी ने उस थाली को गंदा भी किया है और उस थाली में छेद भी किया है, ये नेपालियों को औकात याद दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बहुत सारे डाटा है मेरे पास सबूत, मैं क्या करके बताऊंगा, इस आदमी ने सारे जहर भर दिए, मैंने सब चीज़ सब नोट करके रखा है, इस आदमी के बारे में पूरी चीज़ बोलूँ मैं कि मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जो डाटा पेश करूँ आपके सामने देखना आप। इसके अलावा बात करते हैं 1.5 लाख लोगों को धोखा इसने दिया है, मेरे पास सारे डाटा सबूत हैं, और भी डाटा है मेरे पास, सब दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं। तो ये इसके अलावा था, इसके अलावा इसने बोला है कि मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ आपको, उनको एक बात बताऊँ, नेपालियों ने अंग्रेजों को उनकी औकात दिया, ठीक है, क्यों इंडिपेंडेंट रहा, अंग्रेजों की इच्छा नहीं गई थी नेपाल पर राज करने की, क्यों नहीं करा, दम नहीं था, पता था क्या हो सकता है, तो जब उस टाइम के नेपालियों ने उस अंग्रेजों की औकात याद दिला दी, तो तुम्हारी औकात वो नहीं याद दिला सकते क्या, तुम क्या उनकी औकात याद दिलाओगी, क्या औकात करते हो, ऐसे मेल भेजते हो, ऐसे लोगों को बोलते हो, सांप जो इंसान सामने रहे वो सामने रहे, झूठ ना फैलाया करो। तो दोस्तों ये पूरा था, मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ एज ए इंडियन, मैं इस इंडियन को जो कि झूठ फैला रहा है क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मेरे सारे जो कलीग्स इंडियन हैं, ऐसे सच्चे इंडियन हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके बहुत से सबूत है मेरे पास इस व्यक्ति से, ये सिर्फ हमको परेशान नहीं करता, ये हर उस नेपाली के वीडियो पे कमेंट करता है, कई भी नेपाली यूट्यूबर, यहाँ तक कि नेपाली यूट्यूबर ने मुझे मेल भेजे, डाटा भेजे, दिखाऊँ वो, मैं इतने सबूत है इतने दिखाऊँगा ना कि ये आदमी कहीं का नहीं रहेगा, और तू मुझे बेटा बोल, ठीक है मैं बेटा हूँ, लेकिन तुम अंकल, अब अंकल जी मैं आपको नेपाली बताएंगे आखिर क्या चीज़ होती क्या। तो मेरा यही वीडियो था, मेरे पास इतने ही प्रूफ थे, और भी प्रूफ हैं, लेकिन बस मैं इस व्यक्ति को, क्योंकि यार कोई छोटा बैठा व्यक्ति बोलता जिसका कुछ सब्सक्राइबर नहीं नॉर्मल, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये आदमी जिस पर इतने सारे नेपालियों ने भरोसा दिलाया, इसकी औकात बनाई उस नेपालियों ने, ये वही व्यक्ति जो नेपालियों को उनकी औकात याद दिलाया। अब तुमको इंडियन और नेपाली कैसे क्या दिलाते हैं वो जानिए, बहुत सही चीज़, बहुत सही। यहाँ मेरा वीडियो समाप्त होता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों अब मुझसे नहीं सहा गया, ठीक है, और मैं हमेशा दोस्तों मेरा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है कि मैं दोनों पॉइंट को प्रेजेंट करूँ, मेरा चैनल जय नेपाल इसलिए क्योंकि नेपाल के व्यू में रखूँ सबके सामने, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है इस जैसे व्यक्ति। तो यहाँ वीडियो समाप्त होता है, जब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और इस व्यक्ति को इसकी याद दिला दें। क्या बात है, हमने पूरा वीडियो देखा मिश्रा जी का, इन्होंने जो पूरा डेटा के साथ एनालाइज़ किया, पहली बात तो मैं मिश्रा जी को सल्यूट करता हूँ एकदम से तहे दिल से, जो इन्होंने एकदम ऐसा वीडियो बनाया ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे ऐसे मेल लिखते हैं, और उसके बाद ऐसी वीडियोस बनाते हैं, पहले तो उनका सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद उन्हीं के अगेंस्ट उनकी वीडियो बनाते हैं, जो उन्होंने कहा ना जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, भाई साहब ने तो उस थाली को पूरा फाड़ दिया है। लेकिन
मिश्रा जी ने जो वीडियो बनाई है पूरी की पूरी, जो इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो भाई साहब इनके चेहरे से पता चल रही है कि कितना दुख होता है इंसान को। ऐसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, नेपाली यूट्यूबर्स हैं, इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जो नेपाल वर्सेज इंडिया या रिलेशनशिप या बॉर्डर इशू, जो ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आती है उन पे अगर कोई वीडियो बनाता है तो उनके कमेंट सेक्शन में, उनके कमेंट सेक्शन गालियों से भर जाते हैं और बहुत सारे उल्टे सीधे वर्ड्स बोलने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, ये जो अंकल, जिन अंकल की ये बात कर रहे हैं, उन अंकल के जैसे लोग होते हैं जो दो देशों को, दो इंसानों को भिड़ाते हैं, लड़वाते हैं, उनसे इनको क्या मिलता है पता नहीं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें करने से मिलता क्या है। और एक बात बहुत सही कही है इन्होंने कि नेपाली को कौन किसकी औकात दिलाएगा वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन किसी को भी, कोई भी किसी को किसी की औकात याद नहीं दिला सकता। भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये तो एकदम लड़वाने झगड़ने वाली बात कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े से किसका फ़ायदा होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तो कहता हूँ भाई साहब जय नेपाल के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज़ यहाँ से मिलती हैं। और ये अंकल जी, जो इन अंकल जी का जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर जाइए और इनको बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या हैं, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने नेपालियों को इतने उल्टे सीधे शब्द बोले हैं, हिंदुस्तानियों को इतने उल्टे सीधे शब्द बोले हैं। तो इन अंकल, ये अंकल क्या है, ये अंकल नेपाली हैं या इंडियन हैं या इंग्लैंड के हैं, कहाँ के हैं ये अंकल बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। और इनके कमेंट सेक्शन में जाके इनको बताइए कि ये एक्चुअली में हैं क्या, ये है कि नहीं दोस्तों। और इस वीडियो को जिन लोगों ने ना देखा उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और इन अंकल जी को उनकी औकात याद दिलाइए, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि जय नेपाल के यूट्यूब चैनल को इतना बढ़ा दीजिए कि ये अंकल शर्म से पागल हो जाए। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय नेपाल को पूरा सपोर्ट है हम लोगों की तरफ से, हम लोगों का पता नहीं लेकिन मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है जय नेपाल को। ऐसी और भी वीडियोस बनाओ, इन अंकल जैसे लोगों को और ज़्यादा पूरा का पूरा मतलब एकदम से तबाह कर दिया जाए, ऐसे लोगों को जो लड़वाते हैं भिड़वाते हैं दो लोगों को। बहुत ही शर्म की बात है, ऐसे लोग आज भी हमारे देश में हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही शर्म की बात है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी और भी कोई अगर वीडियो है तो वो मुझ तक पहुँचाइए, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा, रिव्यू दूंगा उसके ऊपर और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ देखें और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए।